जेएससी पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की आंच से क्या चंपाई सरकार बच रही है? मामला गंभीर है और ऐसे मामलों को लेकर लगातार इंडिया वॉइस सरकार के सामने प्रश्न खड़ा करता आया है। पेपर लीक के मामले को लेकर हर बार सवाल खड़े हुए और जब जब छात्रों के भविष्य का जिक्र हुआ तब तब हमने मुखर होकर सत्ता के सामने सवाल पूछे। पेपर लीक में खड़े हुए सवालों का जवाब झारखंड की आवाम जानना चाहती है, वो युवा जानना चाहते हैं, वो आंदोलनकारी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा दिया गया। वैसे तो इस मामले में विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमी और जनाब के दो बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। बकायदा इनके पास से कई ब्लैंक चेक, कई एडमिट कार्ड बरामद हुए, लाखों के लेन देन की बात आ रही है। मगर एसआईटी जांच तो कर रही है, मगर एसआईटी जांच पर ना तो विपक्ष में बैठी बीजेपी को यकीन है और ना ही आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को। हैरत की बात यह है कि सरकार की हर नाकामी को जोर शोर से उठाने वाली बीजेपी इस मामले पर मौन है। सोचिए, विपक्ष भी मौन है, सवाल बीजेपी से भी है और माननीय बाबूलाल मरांडी जी से भी कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी इस मामले पर इतना मौन क्यों है? जो गाहे बगाहे हर बात पर सरकार की बखियां उधेड़ने का दावा करते हैं, वही माननीय बाबूलाल मरांडी जी इस मामले को लेकर कुछ मौन मौन दिखाई दे रहे हैं। चक्कर क्या है? बीजेपी इतना डिफेंसिव क्यों हो रही है इस मामले को लेकर? छात्र आंदोलन कर रहे हैं और विपक्ष गायब है, माजरा क्या है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर एक बार फिर से इस मंच से सवाल होगा सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष पर भी। झारखंड में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की चिंगारी अब राजभवन तक पहुंच गई है। स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में विस्तृत जानकारी दी। वही सबसे बड़ा सवाल ये है कि लीक के गुनाहगारों पर शिकंजा कब तक कसेगा? जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ शमी और उनके दो बेटे शहजाद और शहनवाज को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अवर सचिव प्रश्न पत्र लीक मामले में इनकार कर दिए, लेकिन जब पुलिस ने सबूत पेश किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जेएसएससी में बहाली के लिए हर एक अभ्यर्थी से 27 लाख रुपए का सौदा तय हुआ था, लेकिन किसी से पैसे की रकम नहीं ली गई थी, बल्कि गारंटी के तौर पर बदले में 4-5 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, स्कूल कॉलेज का ओरिजिनल अंक पत्र और मोबाइल फोन इन लोगों को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। एसआईटी की छापेमारी में अपर सचिव के बेटे ने अभ्यर्थियों से व्हाट्सएप पर चैटिंग भी की थी, कुछ चैट को लोगों ने डिलीट भी कर दिया था। अब इस मामले में हो रही राजनीति पर भी बात करते हैं। सरकार की हर नाकामी को जोर शोर से उठाने वाली बीजेपी भी इस मामले पर चुप्पी रखे हुए है, जो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। छात्र परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, राजभवन तक गुहार लगा चुके हैं, आजसू की तरफ से और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है, लेकिन अब तक बीजेपी का कोई भी नेता आजसू के साथ मिलकर आंदोलन को बढ़ाते हुए नजर नहीं आया। हालांकि सरकार इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है और सीएम ने
जांच को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने का भरोसा दिया है। एसआईटी गठित के वो अपना काम में लगे हैं और काम में लगे हैं, कुछ प्रोग्रेस भी होते जा रहा है। हाँ, हम समझते हैं बहुत जल्दी और आगे और कुछ प्रोग्रेस करेंगे। फिलहाल मामला गर्म है और छात्र लगातार इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन विपक्ष में रहकर सरकार से सवाल करने वाली बीजेपी की खामोशी इस मामले में कई सवाल खड़े कर रही है। साथ ही ये मामला अब कहां जाकर रुकेगा, छात्रों को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोश में है, लेकिन बीजेपी खामोश है। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत देशे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड को बहुत करीब से जानते हैं। हमारे साथ छात्र नेता है मनोज यादव जी, एस अली साहब हैं, आजसू के चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन डॉक्टर इंदुकांत देशे जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मामला बहुत गंभीर लगता है, हैरान करने वाला भी है, और जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं, इंडिया वॉइस के इस मंच के माध्यम से हम सरकार के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा करते हैं ताकि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार संजीदा हो। ये जो मामला है जहां लाखों की डील की बात आ रही है, ब्लैंक चेक की बात आ रही है, अब इस मामले में क्या वाकई में ये छोटी मछलियां हैं या फिर बात खत्म, या फिर कोई एक बड़ा नेटवर्क दिखाई देता है इसके पीछे? जी नमस्कार तिलक जी। जी, हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जिस तरह से विधानसभा के अवर सचिव मिस्टर शमीम गिरफ्तार किए गए, उनके बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, रैकेट चल रहा था। आपकी जानकारी के लिए तिलक जी एक चीज और बता दूं कि इस विधानसभा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए कि इस विधानसभा के कर्मचारियों की, कई वरिष्ठ अधिकारियों तक की भी नियुक्तियां, जब नया राज्य झारखंड बना तो बड़े पैमाने पर धांधली करके की गई, और तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष थे, जो अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है आलमगीर आलम जी, इन्हीं पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से अपॉइंटमेंट करने की आरोप लगे थे। और उस मामले की जांच जी हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद जी ने की थी, और उसमें उन्होंने पाया था कि बड़ी संख्या में, मतलब आप समझिए कि सैकड़ों की संख्या में अवैध नियुक्तियां हुई। वो रिपोर्ट भी आई, उस पर एक्शन की बात थी, तब तक उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन सब लोग, क्योंकि उसमें तमाम पॉलिटिकल लेवल पे लोगों की अपॉइंटमेंट की गए थे, और वही लोग आज प्रमोट होकर के 15 साल 20 साल में कई लोग भ्रष्ट अधिकारी जो भ्रष्टाचार से आए, उनसे आप किस नैतिकता की बात करेंगे? तो अब वो बड़े पदों पर आ गए, कई लोग तो ऐसे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगजी जो विधानसभा के अधिकारी बनने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया था। तो अब ऐसे लोगों को जब पकड़ा जा रहा है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो आपका सवाल है मूल, कि ये तालाब की छोटी मछलियां हैं, इनके पीछे इस तरह के भ्रष्टाचार का एक बड़ा इतिहास झारखंड में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंदुकांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये छोटी मछलियां हैं, लेकिन बड़ा मगरमच्छ है कौन, और बिना बड़े मगरमच्छ के तो यह चल ही नहीं सकता, इसको कोई मानने को तैयार ही नहीं है। और क्यों हो, नेटवर्क तो है, लेकिन उस मगरमच्छ को छिपा कौन रहा है, बचा कौन रहा है, यह भी एक सवाल है। मनोज यादव जी, मनोज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ तिलक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी, और इंडिया वॉइस के सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मैं छात्र नेता मनोज यादव झारखंडी जोहार करता हूं। मनोज जी, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले पर बीजेपी विपक्ष में बैठे हुए इतनी खामोश क्यों है? यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं। ये काम विपक्ष का था,
ये हाँ। सरकार जो है यदि गड़बड़ियां करती है तो इन सवालों को उठाने का जिम्मेदारी जो है सो विपक्ष का होता है हाँ। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ये लोग मैंने एक ही सिक्के के दो पहलू तो नहीं है कि ये लोग जो है मिल बांट करके तो नहीं खा रहे हैं हाँ। ये चीज जो है छात्र जब आवाज उठा रहे हैं और इसमें बीजेपी को डरबड़ कर हिस्सा लेना चाहिए। किसी भी मंत्री का बयान नहीं आ रहा है, किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का बयान नहीं आ रहा है, तो ये क्या करना चाहते हैं? क्योंकि इसका इसके पहले सरकार उसकी थी तो हो सकता है कि वो कुछ युवा सीटें और परीक्षाओं में मिल के उनको दिए होंगे, वही ऋण अभी ये सरकार चुका रही है, इसलिए ना ये उसको बोलेंगे ना वो इसको बोलेंगे हाँ। मनोज जी, मनोज जी, जांच करवा तो रही है सरकार, कह रही है हम जांच करवा रहे हैं, एसआईटी गठित की गई है। तिलक जी, जांच अभी जो बोल रहे हैं, जांच होते रहेगा, छात्रों का भविष्य बर्बाद होते रहेगा। आप बताइए कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं 2016 से अभी तक इसकी मैंने परीक्षा नहीं हुई थी और हुई तो इस प्रकार से इन्होंने मैंने नंगा नाच बताइए। यही बात मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पकड़े जाएंगे, गिरफ्तारियां होंगी, जेल जाएंगे, जमानत मिल जाएगी। लिख लो इन्हें जमानत भी मिल जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन ये जो छात्रों का भविष्य खराब करके जो है उनका तो भविष्य गया अंधकार में डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, इनको जमानत मिल जाएगी और ये जो मगरमच्छ है वो फिर बच जाएंगे, फिर कहेंगे लाओ भैया 20-20 लाख रुपए। डॉक्टर एस अली साहब, अली साहब तो आज सो इस पे गंभीर है, ठीक है, लेकिन माननीय बाबूलाल मरांडी जी कहां हैं वो जो कहते थे 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, रोज ट्वीट करते थे, एक ट्वीट नहीं कर रहे आजकल ये बच्चे। या तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं जो सड़कों पर है, या तो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, या फिर बाबूलाल मरांडी जी चाहते नहीं है मुद्दा उठे। ये तो आप बाबूलाल मरांडी जी को फोन लगा के पूछ सकते हैं कि अभी वो कहां है। सर सहयोगी तो आप ही के हैं, लेकिन नेता तो आप ही के, पूछूंगा तो आप ही से। आजसू पार्टी 28 जनवरी से ही छात्रों के अधिकार, सम्मान, न्याय और रोजगार के सवाल पर सड़क पर है, और जिस प्रकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से टीजीएल परीक्षा में धांधली की गई और एक रेकेट और एक सिंडिकेट के माध्यम से जिस पेपर को लीक किया गया, पेपर 3 सामान्य ज्ञान, उसको रद्द करवाने के लिए और दोषियों पर कार्रवाई के लिए इस पूरे प्राकरण की सीबीआई से जांच के लिए 28 जनवरी से ही आसू पार्टी सड़क पर है, और आज भी अभी आधा घंटा के अंदर में पूरे मेन रोड में मशाल जुलूस निकाला जाएगा छात्रों के अधिकार के सवाल पर। अली जी, इस प्रकार की धांधलियां हुई है। अली जी आप लोग गंभीर है, मैंने तो कहा ही नहीं कि आप लोग गंभीर नहीं हो, आज तो गंभीर है इस विषय पर मैं कह रहा हूं। आप लोग लगातार अपना हस्ताक्षर अभियान चला रहे हो, यह भी मैं मान रहा हूं, आप लोग छात्रों के साथ खड़े हो यह भी मान रहा हूं, लेकिन माननीय बाबूलाल मरांडी जी एंड पार्टी कहां है, मैं इतना जानना चाह रहा था बस, क्योंकि वो आपके सहयोगी हैं, वो कहते थे रोज की हेमंत सोरेन जी को राजनीति से संन्यास, 5 लाख रोजगार, आज तो ये छात्र सड़कों पर है, कोई पूछने को तैयार नहीं इनको। मैं तो बता रहा हूं कि भाई मैं आपको बाबूलाल मरांडी जी का फोन नंबर दे रहा हूं, आप सर नंबर तो हमारे पास भी है। मनोज जी आपका फोन उठाते हैं क्या बाबूलाल मरांडी जी? आप काहे को उठाएंगे, वो आप अपने उठने वाले हैं। ये बोलिए मनोज जी, वो ये कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी की बात बाबूलाल मरांडी जी से पूछो, मतलब बीजेपी सामने आने को तैयार नहीं है और छात्रों के भविष्य की चिंता सबको है। ये चोर चोर मौसेरे भाई आंसू वाले भैया, ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा। अगर यदि हम छात्रों ने आंदोलन किया, मेरे पर केस किया गया, फर्जी केस किया गया, आप ये बता देता हूँ तिलक जी, ये पहली बार की इतिहास में हुआ है कि पुलिस चोर को पकड़ने गई और पुलिस ही गिरफ्तार हो गई। उदय जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। पेपर लीक हो गया, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया, आपने 2 गिरफ्तारी कर ली 3 गिरफ्तारी कर ली, बात खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म। इस पे सर हमारी सरकार जो है बहुत गंभीर है सर,
और इसके लिए अभी एसआईटी का जो गठन हुआ है इसमें बहुत कड़ा प्रावधान किया जा रहा है और इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा सर। और अभी आपने देखा होगा मगरमच्छ कहाँ है इसमें सर, 10 साल का आजीवन कारावास है। मगरमच्छ कहाँ है, ये नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है, ये आप भी जान रहे हैं, पूरा झारखंड जान रहा है, जिनके छात्रों के भविष्य को आप लोगों ने अंधकार में डाल दिया सब जानते हैं नेटवर्क कौन है। सर आप समय दीजिए, कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार इस पे गंभीर है सर, छात्रों से जो खिलवाड़ किया गया है इस पे सरकार बहुत गंभीर है और इसके रैकेट का भी सर पूरा गंभीरता से पता किया जा रहा है और जल्दी आपको इसका सर रिजल्ट मिलेगा। और आपको मैं बता दे रहा हूँ सर, आज सर इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा गंभीर है और आपने देखा होगा थोड़े ही समय अली में साहब वो कह रहे हैं हमने एसआईटी का गठन किया गया है। एक मिनट, आप लोग कह रहे हो कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर हर तरह की कार्रवाई होगी, इसमें कोई पक्षा नहीं जाएगा क्योंकि ये सर अली की मेरी आवाज आ रही है सर, ये छात्रों के साथ खिलवाड़ है और कोई भी इसमें पक्षा नहीं जाएगा, वो किसी भी प्रकार का कोई भी गठन किया गया है ये एक प्रकार का धोखा है और इस धोखा में इस बार झारखंड के युवा छात्र जो है नहीं पढ़ने वाले। उनका सीधा डिमांड है कि पूरी परीक्षा परिणाम, पूरा परीक्षा प्रक्रिया और सीजीएल के साथ साथ अब तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो भी परीक्षाएं ली गई है सभी की जांच जो है सीबीआई से करवाई जाए और आजसू भी इसी मांग को लेकर सड़क पर। अभी सर आपने देखा होगा कि जो अभी एसआईटी की टीम गठित की गई है उसमें आपने देखा होगा कि संजीव बेसरा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है सर और ये जल्दी ही आपको खुलासा नजर आएगा और जल्दी ही इस तरह के जो जिन्होंने ये काम किया है वो सलाखों के बीच पीछे रहेंगे और कोई भी पक्ष नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पक्षा जाएगा, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होगा। उदय जी जी सर, सीबीआई जांच से डर कैसा? कोई डर नहीं है सर, आपको जल्दी ही इसका आप थोड़ा समय दीजिए। आज जो बीजेपी इस तरह का जो आरोप लगा रही है तो सर इनसे पूछा जाए, उत्तराखंड में लीक नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं लीक हुआ, आज जहां पे इनकी सरकार नहीं हुआ तौबा मचाए हुए। वाह वाह, क्या दलील दे रहे हैं आप लोग कि वहां हुआ तो यहां क्यों नहीं? आज आज सर इन लोग दलील हुई कि भैया उत्तराखंड में हो सकता है, यूपी में हो सकता है, झारखंड में क्यों नहीं? इनका काम है सरकार को किसी भी तरह। सर कितनी परीक्षाएं करवा रहे हैं आप लोग? कितनी परीक्षाएं करवाई आप लोगों ने? आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जल्दी आपको सर इसका रिजल्ट मिल दुकान दिशी। ये कैसी दलील है जाएंगे कि भैया झारखंड झारखंड में इसलिए होगा क्योंकि उत्तराखंड और यूपी में भी हुआ तो झारखंड में भी होगा? नहीं 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 नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि जो इन लोग हाय तौबा जो मचा रहे हैं तो उस समय कहां, इन लोग अपने क्षेत्र को देखे ना। नहीं तो अपने क्षेत्र मचा रहे तो छात्र है सब जो भी आती है वो वोट रहे सड़कों पर, कोई विपक्ष तो घर में कंबल हो रहा है, कोई पक्षा नहीं जाएगा, हर व्यक्ति का चेहरा सामने आएगा। एक मिनट डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित प्रावधान किया गया है, अभी आपने देखा सर बोलने से नहीं होगा हुआ है, जिस दिन मास्टरमाइंड सामने ले आओगे व्हाइट कुर्ते बजाने वाला कड़क कुर्ते सब जानते हैं ये नेतागिरी के अलावा चल नहीं सकती। आप थोड़ा समय दीजिए, इस पे आपको नजर आएगा डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, कड़ी सजा दी जाएगी। एक और आपको बता दे रहे हैं कोई भी इसके पर्दे के पीछे रहेगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। ओके उदय जी, छात्रों के भविष्य की बात है। उदय जी जो बात कह रहे हैं उसका विश्वास जनता कैसे करेगी, जिस जनता ने इस ढंग के व्हाट्सएप चैट देखे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी को ऑफर किया जाता है कि आप यहाँ डीसी यहाँ डीडीसी लगा दीजिए और 2 करोड़ रुपए महीने ले लीजिए, इस तरह के व्हाट्सएप चैट आप जब मुख्यमंत्री के लोगों के साथ देखते हैं तो ऐसे में जब लगमानी जी जैसे लोग कहते हैं सामने आके कि मिस्टर बेसरा को बनाया गया है एसआईटी का अध्यक्ष, राज्य सरकार के मुखिया में इस तरह के सवाल हैं, राज्य सरकार के मुखिया आज भ्रष्ट आचरण में जेल में है और ईडी की गिरफ्त में है, तो ऐसे में सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और युवाओं की आस्था को वापस लाने के लिए सिस्टम में सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट में अगर उनका दामन साफ हो तो तत्काल लखवानी भी करना चाहिए। जी लखवानी साहब, सर कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून से कोई बचा नहीं है, वो कोई भी हो चाहे देश का कोई भी नेता हो कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानून जो भी गलत करेगा
वो सलाखों के पीछे रहेगा। नहीं, नहीं, आपकी बात ठीक है, हेमंत जी चले गए सलाखों के पीछे, लेकिन एक बात तुम साबित नहीं हुआ है। नहीं ठीक है, उन्होंने तो क्लियर बोला, ठीक है आप बैंकेट हॉल बनवाइए कुछ भी बनवाइए वो एक अलग विषय है, नाम आएगा आज छात्रों की बात राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। सर ठीक है, बोलने में अच्छा जाता है राजनीति में इस्तीफा, 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, छोड़ दो ना वो बात। जी सर, हाँ छोड़ दीजिए उस बात को, वो विषय नहीं आज, विषय ये है कि वो मगरमच्छ कब आएगा, वही बात डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी कह रहे हैं। ये जल्दी आपको नजर आ जाएगा सर, आप थोड़ा समय दीजिए अभी। मनोज जी वो कह रहे हैं थोड़ा सा समय तो सरकार को, हर चीज आपके सामने रहेगी। मनोज जी गठित हुई है टीम, और टीम गठित हुई है, जांच जब चल रही है, लोग पकड़े गए हैं, और भी लोग इनके पीछे कौन है उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, कड़ा प्रावधान किया गया है, 10 करोड़ रुपए का इनका जुर्माना है सर, आजीवन कारावास है सर, और सर, प्रावधान और भी कठिन कार्रवाई करने का, और व्हाइट कड़क कुर्ते पजामे वाला ठीक जिस जिन सलाखों के पीछे होगा मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा यहां से बैठ के। थैंक यू सर लेकिन जल्दी करके दिखाओ, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, ठीक है। एक मिनट मनोज जी की बात, आश्वासन देंगे ये लोग, आश्वासन देंगे आप लोग सुनिए, रियल में एक बात बता रहा हूँ तिलक जी, कि छात्रों का जो समय निकला जा रहा है, जो गरीब बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसके प्रति इनको चिंता नहीं है? चिंता अगर नहीं होती तो आज ये सलाखों के बीच क्यों जाते, इतना कठिन कारोबार क्यों किया जाता और इतना कठिन कानून क्यों बनाया जाता? जिम्मेदारी किसके पास है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी? एक मिनट, नजीर पेश करना चाह रहे हो ना आप? उदय जी रुकिए ना एक मिनट, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी SSC की कमान किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और देखिए मैं एक चीज आपको और याद दिला दो तिलक जी, हाँ कि ठीक मनोज जी ने सवाल उठाया और अली साहब ने, कि इस राष्ट्र में JPSC क्लास 1 और क्लास 2 के एग्जाम के लिए और SSC क्लास 3 के एग्जाम के लिए, हाँ, और इन दोनों ने मिलकर कुल मिलाकर पिछले इनके कार्यकाल में 4 वर्षों में 4-5 परीक्षाएं कराई, और उसमें इतने आरोप प्रत्यारोप, और जिस तरह से SSC में थोड़े से सिलेक्शन के लिए इस प्रोसेस में भी पेपर आउट हो गया, अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, फिर सवाल आया कि 5 लाख रोजगार के लिए युवा कब तक प्रतीक्षा करेगा और उनके साथ न्याय कब होगा? आज जो आप बात कर रहे हैं छात्रों की, आपके प्रधानमंत्री ने क्या बोला था चुनाव के समय कि हम लोग 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे, वो सब वादे और वो सब कहां गई जुमलेबाजी? आज जो आप कहां है आपकी मुद्दे की तो आप बात कीजिए कि जो आप लोग ने देश को जो है वादा करके जो आप सत्ता हासिल किया है तो वो वादे कहां गए? उस पर बहस कीजिए ना, जो आपके प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए थे क्या हुए गए? आज क्यों इतनी GDP इतनी क्यों डाउन हो गई है? मनोज जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट मसला है, आ रहा हूं अली जी आपके पास के बाद। मनोज जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? तिलक जी ये देख रहे हैं, ये जो है सर्दी का दवाई जो कॉफी बता रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कह करके नहीं किया, वो कह करके नहीं, मतलब ये भी लोग वही कहेंगे, हाँ। इसका देखिए ये क्या बोल रहे हैं, उत्तराखंड में चोरी हुआ, वहां चोरी हुआ, इसलिए यहाँ भी चोरी हुआ, काहे होगा चोरी, उसके लिए जांच चल रही है, उसके लिए अपराधी पकड़ेवर विराजमान है जिनके ऊपर जिम्मा है, अगर नैतिकता का तकाजा है, छात्रों के भविष्य की चिंता है, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उनको सस्पेंड कर दो क्यों उदय जी? वो फिर पद पर क्यों है? अगर आप परीक्षाएं नहीं करवा सकते इन्हीं छात्रों के टैक्स के पैसों से आप जो है सैलरी लेते हो, बिल्कुल आपका एकदम 100% कहना सही है। नहीं मेरा कहना नहीं है, झारखंड की आवाम बोल रही है आप लोगों से, बिल्कुल बिल्कुल उसका सर आवाम को सच्चाई सामने आएगी, और वो पद पर रहने के अधिकारी लायक ही नहीं है फिर, अगर आप लोग परीक्षाएं जो है नियम मुताबिक करवा ही नहीं सकते तो जनता की टैक्स का पैसे से सैलरी क्यों ले रहे हो आप लोग? छात्रों के भविष्य को खिलवाड़ करने के लिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए? छात्रों के साथ जो हुआ है उसका पनिशमेंट मिलेगा सर, जिसने भी किया है वो पर्दे के पीछे, उनको सामने लाया जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वक्त लौट के नहीं आता सर। अली साहब अपनी बात रखिए, अब
ये लोग जी 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 हम लोगों को सिर्फ ठगने के लिए आप बताइए कि हम लोग पर केस काहे किए हैं। मैं सरकार के सबसे बड़ी बात हमने आवाज उठाई और आवाज उठा करके धरना प्रदर्शन किया पूरे जारी किया और ये हमने हमारे माननीय आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो के द्वारा विधानसभा में विशेष प्रस्ताव लाने के बाद उन्होंने सरकार को सदन के माध्यम से अवगत कराया कि राज्य में जो धांधली हुआ है छात्रों के साथ, छात्रों के सम्मान, उनके अधिकार, उनके सपनों को चूर किया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने। सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ये हमारे माननीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जब माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि आप इसकी जांच कराओ, उसके बाद आनन फानन में इन्होंने एक सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। लेकिन सवाल ये है कि अब तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और वहां जो दूसरे पदाधिकारी हैं, अब तक उनको क्यों नहीं निलंबित किया गया? जो परीक्षा एजेंसी है इसके माध्यम से पेपर लीक होने का बातें आ रही है, अब तक उस परीक्षा एजेंसी पर क्यों नहीं करवाई हुई? मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वही परीक्षा एजेंसी है जो 2019 में रेलवे का जो है एग्जाम कंडक्ट कराया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें भी इसको ब्लैकलिस्टेड किया गया। तो मेरा ये कहना है कि कार्रवाई के नाम पर, जांच के नाम पर सरकार जो है छोटे छोटे मछलियों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन बड़े बड़े जो मगरमच्छ है जिनके व्हाट्सएप पर चैट हुआ और कई बातें आई, जिन जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी थी वो पद पर जब तक विराजमान है तब तक नैतिकता की बात तो भूल जाइए। आपका कहना सही है सर। मनोज जी गलत तो नहीं कह रहा ना? आप कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं सर, आपका कहना जरूरी है, एकदम ठीक है, है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये लोग को नैतिकता नहीं है, इसकी आपको रिजल्ट आपको शीघ्र मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो सर मैं आपको वचन देता हूँ कि आप तब आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। क्या बोला? अभी भी जो गठन हुई है अंतर कर रही है जी, जल्दी से तो किसी ये छात्रों पर केस जो किया पहले वापस करने बोल दो। छात्रों पर फर्जी केस हुआ है, छात्रों पर फर्जी जी कुछ कह रहे हैं, जो भी प्रभावित और पीड़ित जो छात्र युवा है जो सीरियल परीक्षा में शामिल हुए थे या उनके हक अधिकार के लिए जो भी छात्र संगठन या छात्र नेता लड़ रहे थे, आसू पार्टी उसकी निंदा करती है एफआईआर की और सरकार से बात करती है कि अब उन सभी अभ्यर्थियों को समाप्त किया जाए। अली जी अच्छा राज की बात तो बताओ, ये बीजेपी खामोश क्यों है? एक मिनट मनोज जी एक मिनट ये बीजेपी खामोश क्यों है? झारखंड की जनता को बताओ क्या चक्कर है? आसू झारखंड के जनता के साथ बीजेपी खामोश क्यों है? ये साइलेंट क्यों हो गए बीजेपी के नेता? देखिए जिस प्रकार बीजेपी खामोश है मीडिया भी उसी प्रकार खामोश थी, मीडिया भी आज जागी है, लेकिन आप जिस समय से ये पांच साल से सरकार पांच साल से तो एक ही सवाल उठा उठा के आपके प्रवक्ताओं ने बैठना बंद कर दिया। ये पांच साल है बार बार नौकरी की बात करता है, रोजगार की बात करता है, झारखंड के युवाओं की आवाज उठाता है, डिबेट में मत जाना। और जब तक न्याय इसकी आज जिस दिन आप लोग सत्ता में बैठोगे सवाल आपसे भी होंगे। अली जी जिस दिन सत्ता में बैठोगे सवाल आप ही से होंगे। बिल्कुल आसू पार्टी सत्ता में रह के छात्रों के, युवाओं के, राज्य के और झारखंडी जनमानस के हाँ करिए 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 मनोज यादव जी, जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष कब जागेगा। थैंक यू सो मच। लेकिन चलते चलते एक बात अली साहब, माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी जो रोज ट्वीट किया करते थे 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, हेमंत सोरेन जी कब लेंगे संन्यास? आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, छात्र आवाज उठा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन माननीय बाबूलाल मरांडी जी आप कहां हैं? इसका जवाब पूरा झारखंड जानना चाहता है। खामोश क्यों है? मनोज जी गलत तो नहीं कहा? सबसे पहले जो छात्रों पर फर्जी केस है उसको वापस करे सरकार। चलिए उम्मीद करते हैं बाबूलाल मरांडी जी एंड बीजेपी पार्टी जो है इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी। और उदय जी कह रहे बख्शेंगे नहीं, देखते हैं उदय जी, तेल देखते तेल की धार। थैंक यू सो मच डॉक्टर इंदु जी आपका भी, अली साहब आपका भी, मनोज जी आपका भी और उदय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
गंभीर है, लेकिन सवाल यही है जब छात्रों में आक्रोश है तो बीजेपी खामोश क्यों?